दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल की। वर्ल्ड कप फाइनल जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है, क्योंकि जब 3 गेंदों में 9 रन बनाने थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, तो दूसरे रन के लिए जब बल्लेबाज भागा, फील्डर ने थ्रो किया और बॉल बल्लेबाज के बल्ले पर लगकर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। फील्डर ने थ्रो सही किया, लेकिन बल्लेबाज जब बचने के लिए डाई लगा रहा था तो बॉल उसके बल्ले पर लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई और 4 रन ओवर थ्रो के इंग्लैंड को दे दिए गए। तो इसमें किसकी गलती है? फील्डर की कोई गलती ही नहीं, बॉल बल्लेबाज के बल्ले पर लगकर जा रही है, तो 4 रन किसके लिए दिए गए इंग्लैंड को ओवर थ्रो के? तो ये क्या ये डेड बॉल नहीं होनी चाहिए? जब फील्डर थ्रो करता है, बल्लेबाज के शरीर पे बॉल लगे या हेलमेट पे लगे या बल्ले पे लगे, तो क्या वो डेड बॉल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल डेड बॉल होनी चाहिए। 4 रन गलत दिए गए, उसके बाद मैच टाई हुआ और टाई मैच के बाद मैच सुपर ओवर तक गया। अगर वो ओवर थ्रो के 4 रन नहीं दिए जाते तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत गया होता। तो ये बहुत ही बड़ी बेइंसाफी हुई है न्यूजीलैंड के साथ। ऐसे इतना ही नहीं, उसके बाद भी आप देखिए सुपर ओवर तक मैच गया, सुपर ओवर में इंग्लैंड ने 15 रन बनाए तो न्यूजीलैंड ने बाद में बैटिंग की, न्यूजीलैंड ने भी सुपर ओवर में 15 रन बनाए। तो इंग्लैंड को विश्व विजेता क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इंग्लैंड ने ज्यादा रन चौके छक्कों से बनाए। ये क्या बात हुई? अगर कोई टीम चौके छक्कों से ज्यादा रन बनाए हैं, रन तो वही बनाए ना, 241 और 241, 15 और 15, जब रन बराबर बनाए हैं, एक टीम अगर चौके छक्के से ज्यादा रन बना रही है, इसका मतलब उसने डॉट बॉलें भी ज्यादा खेली है। अगर कोई खिलाड़ी एक गेंद पे छक्का लगा के 5 गेंदे डॉट कर देता है और दूसरा खिलाड़ी 6 की 6 गेंदों पे सिंगल ले रहा है, तो वो छक्के वाले बंदे को हम ज्यादा अच्छा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उसने 5 गेंदे डॉट भी तो खेली है ना, अगर छक्का लगाया, और जिसने सिंगल सिंगल किया उसने डॉट बॉल भी तो नहीं किया ना। तो ये क्या रूल हुआ कि इंग्लैंड ने ज्यादा चौके छक्के लगाए हैं, उसकी वजह से उसे जिता दो, क्योंकि डॉट बॉल भी तो इंग्लैंड ने ज्यादा खेले हैं। तो होना ये चाहिए था, अगर टाई हो गया तो बॉल आउट करवा देते, कुछ भी करवा देते, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया? तो ये रूल्स आईसीसी के गलत हैं, ये रूल्स बदलने चाहिए। इस गलत रूल की वजह से न्यूजीलैंड हारा है। मैं न्यूजीलैंड को विश्व विजेता मानता हूं और यही सोचूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम विश्व चैंपियन की तरह खेली और इंग्लैंड से अच्छा खेली, इसलिए मेरी नजर में न्यूजीलैंड चैंपियन है। इंग्लैंड ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन मैं न्यूजीलैंड को चैंपियन मानूंगा। ये आईसीसी के रूल्स गलत हैं, ये रूल्स बदलने चाहिए।